नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ सरम सर। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में हुआ खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम खेलकूद मंत्रालय के अंतर्गत संचालित नेहरू युवा केंद्र संगठन मोतिहारी के तत्वावधान में प्रखंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन प्रखंड क्षेत्र के चढ़रहिया पंचायत के खेल मैदान में बृहस्पतिवार को किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के सीनियर सदस्य नीरज कुमार नेहरू युवा केंद्र हरसिद्धि स्वयंसेवक अभिषेक आर्यन एवं टीएस गौतम भूतपूर्व सैनिक रुद्रदेव तिवारी और वर्तमान सीआरपीएफ बिहार सेक्टर के खिलाड़ी दीपू शुक्ला ने संयुक्त रूप से सब दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राष्ट्रगान के साथ वॉलीबॉल खेल का शुरुआत की गई। कार्यक्रम में उपस्थित श्री नीरज कुमार ने कहा कि आज के समय में युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो अपने नाम के साथ साथ समाज और राष्ट्र का भी नाम ऊंचा करें। नेहरू युवा स्वयंसेवक प्रियेश गौतम और अभिषेक आर्य ने बताया कि आज के कार्यक्रम के अंत में वॉलीबॉल के विजेता और उपविजेता टीम को शील्ड और मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस आयोजन में कमेंट्री की भूमिका में बबलू तिवारी और रेफरी की भूमिका में करण तिवारी देखे गए। बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन 3 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक लगातार किया जाएगा और साथ ही साथ अब 7 फरवरी तक प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में भी कबड्डी, बैडमिंटन, दौड़ और लॉन्ग जंप का भी आयोजन किया जाएगा। दिखाना होगा रंजीत है और इधर ही रह गई है। कॉम्बिनेशन बैठाना होगा सेवराहा की टीम को। 22-14 दूसरा सेट है। बढ़िया आकाश, सुंदर प्लेसिंग, लेकिन उससे भी अच्छा बचाव